हेलो दोस्तों, तो मैं आ चुका हूँ भिंडी बाज़ार। अब बेसिकली ये भिंडी बाज़ार मैं मुंब्रा वाले में आया हूँ। एक्चुअल में भिंडी बाज़ार एक जगह का नाम है साउथ मुंबई में, जो कि मोहम्मद अली रोड और खेतवाड़ी के बीच में है। मुंब्रा में ये जो रेस्टोरेंट खुला है, इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट है ना उसी भिंडी बाज़ार पे बेस किया है। ये उसी की तरह चीज़ें जैसे वहाँ पे स्ट्रीट पे मिलती हैं, रोड पे मिलती हैं, गलियों में मिलती हैं, वैसे ये भी उसी तरीके से इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया है, जो बाहर गलियों जैसा एक सिस्टम बना दिया है, वहाँ पे चीज़ें बेचते हैं ये। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे भिंडी बाज़ार में ऐसा नाम क्यों रखा गया, मतलब क्या वहाँ पे भिंडी बिकती थी? नहीं, वो रीज़न नहीं है। रीज़न ये कि वहाँ पर है ना पहले एक पेड़ हुआ करता था बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, जो कि ऐसे इलाकों में मिलता है जिसके आसपास में समुंदर या नदी हो या कोई तालाब हो। तो उस पेड़ का नाम है थेस्पीसिया पॉपुलनिया। इसी को जो लोकल पॉपुलेशन है भिंडी बोला करती थी, और फिर बाद में धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते वो भिंडी बन गया। फास्ट में इनका मेन्यू कार्ड मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग पॉज कर करके देख सकते हैं। इनका चिकन मलाई टिक्का काफी टेस्टी है, मुझे बहुत पसंद आया, 160 रुपीस का है ये। इनका हम लोगों ने जो है सीख पराठा, मटन वाला, चिकन वाला नहीं, मटन वाला भी ऑर्डर किया, वो 95 रुपीस का एक है। तो बेसिकली ऐसे दो तीन प्लेट हम लोगों ने ऑर्डर की, और इसमें एक ही प्लेट में ना, मतलब यानी कि एक आदमी का तो पेट भर जाएगा अगर वो दो पराठे खाता है तो। इसमें पूरी दो सलिया सीख आती है। आज की संध्या में अपने माता पिता के साथ में व्यतीत कर रहा हूं, और मैं क्या कहूं कि मेरा हृदय आह्लादित हो चुका है। इनका सीख पराठा जो है भिंडी बाजार का बहुत ही टेस्टी है, काफ़ी हैवी भी है, और हमने इसे दो तीन बार मंगाया। अब आप सोच सकते हैं इसमें कितना ज़बरदस्त जायका होगा। इनके सीख पराठे को मैं देता हूं 4.5 stars out of 5, और जो है मलाई टिक्का को मैं देता हूं 4 stars out of 5। सीख के साथ पराठा तो खा लिया था, बट पराठा काफ़ी ज़्यादा हैवी और ऑयली होता है, तो मेरी मॉम ने जो है बेसिकली उसको नान लाने के लिए बोला, और नान भी हमने टेस्ट किया, नान से बट इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया। और फिर तंदूरी रोटी भी ऑर्डर की, बट तंदूरी रोटी के साथ भी मुझे इतना मज़ा नहीं आया। इसका असली मज़ा पराठे के साथ ही है। फिर उसके बाद में हमने खिचड़ा भी ऑर्डर किया, खिचड़ा सिर्फ 60 रुपीज़ का है, लेकिन खिचड़ा यार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इन मतलब ये खिचड़ा बराबर नहीं बना पाए, थोड़ी सी इसमें मेहनत करने की और ज़रूरत है भिंडी बाज़ार वालों को। खिचड़े को मैं दूंगा 2.5 stars out of 5। स्वीट्स में जरा इनके पास वैरायटी नहीं है, कस्टर्ड वस्टर्ड है जो कि हम लोग इतना ज्यादा खाते नहीं है, हलवा पराठा भी है, बट खाने के बाद कौन खाएगा, वैरायटी बढ़ाना चाहिए।